Welcome friends, welcome my good channel. I am Jamil Tari. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाउचर एंट्रीज में कैरीज आउटवर्ड यानी जावक गाड़ी भाड़ा की। जब हम माल बेचते हैं तो कई बिजनेस में ऐसा होता है ग्राहक की लोकेशन तक भेजना होता है तो उसे बोलते हैं कैरी आउटवर्ड यानी जावक गाड़ी भाड़ा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 17 अप्रैल 2022 कैरीज आउटवर्ड 500 रुपये। तो चलिए देखते हैं कि हम इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। चलते हैं टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर हम आ गए हैं कैरीज आउटवर्ड। खर्चा है इसका पेमेंट हमें करना होता है तो ये आएगा पेमेंट वाउचर में। वाउचर्स में आएंगे पेमेंट। वाउचर का शॉर्टकट है F5 या राइट हैंड साइड में पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट 17 अप्रैल 2022 F2 डेट चेंज कर ली है। पेमेंट वाउचर के ट्रिक हमने आपको बताया कि ऊपर कैश या बैंक, नीचे अदर लेजर। ऊपर मींस अकाउंट में, नीचे मींस पर्टिकुलर में। तो ये खर्चा हमने कैश में दिया है तो ऊपर आ जाएगा कैश। कैरीज आउटवर्ड की लेजर हमने बना नहीं रखी है, अगर बना रखी होती तो सीधे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आर्ट सी प्रेस करेंगे और लेजर बना लेंगे। आर्ट सी कैरीज आउटवर्ड को माना जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये जाएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट देख लेते हैं 500 रुपए। नरेशन कैरीज आउटवर्ड पेड। तो इस तरीके से हम कैरीज आउटवर्ड की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट tally.jamilattari.in पर विजिट कर सकते हैं, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप टेली प्राइम खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे टेली प्राइम खरीद भी सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपको कैशबैक देंगे। इसके अलावा आपको हमारे फेसबुक VIP ग्रुप अकाउंट विद जमील अत्तारी में फ्री ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जहां आप अपनी समस्याओं को शेयर करके उसका समाधान ले सकते हैं। अगर आपकी समस्या है वीडियो बनाने लायक होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। अगर आपको टेली प्राइम के PDF नोट चाहिए, आप चाहते हैं कि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।